भाई काम पे तो निकल ही गया था और एक बुकिंग भी हो गई थी, मगर थोड़ी समस्या हो गई है। तो समस्या ये है कि भाई अभी हमें जाना पड़ेगा खतौली, हमें जाना पड़ेगा अभी खतौली। खतौली में भाई इशू हो गया, अपनी गाड़ी का हो गया है एक्सीडेंट और ट्रक के नीचे घुसा दिया गाड़ी ड्राइवर भाई अपने ने। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भाई को चोट नहीं लगी, ये बड़ी मेहरबानी है। गाड़ी वाड़ी तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। क्रेन वाले से बात की तो भाई क्रेन वाले ने मांगे 12,000 रुपये। सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है जहाँ से गाड़ी लेके आनी है खतौली से मोतीनगर सर्विस सेंटर। तो अभी निकल रहे हैं भाई वहाँ, अभी और 1-1.5 घंटे हम निकलेंगे, ट्रैफिक हो जाएगा थोड़ा कम, तो दूसरी गाड़ी पे भाई बांध के टोचन करके ले आएंगे। रास्ते में जहाँ जहाँ से निकलेंगे भाई करता रहूँगा आपको अपडेट, और गाड़ी की हालत भी आपको दिखाऊँगा वहाँ पहुँचने के बाद कैसी हो गई है। तो मिलते हैं भाई, पहले यहाँ से निकलेंगे तो करेंगे बात आपसे। बने रहना है भाई इस वाले ब्लॉग में आखिर तक। था तो ये काम का ब्लॉग, मगर इसमें अभी जो ट्रेजडी हो गई है भाई वो तो हो ही गई है। तो निकलते हैं थोड़ी देर के बाद भाई खतौली। भाई 10:40 पे पहुंच रहे हैं, दिल्ली से लिगड़े खतौली पहुंचेंगे। अभी देखते हैं रास्ते में कौन कौन से पड़ाव पड़ेंगे, करते रहेंगे भाई बात ऐसे ही। नुकसान तो जो होना था हो ही चुका है, पर टेंशन लेके भी कोई फायदा नहीं, टेंशन में बैठा है रोहित भाई वहाँ पे दबा के सुबह से। भाई दिल्ली से निकलना ही आफत है यार, बहुत चारों तरफ बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का, बैरिकेड लगा के रखे हुए पुलिस वालों ने। अभी हम प्रगति मैदान के आसपास हैं भाई, और वैसे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, पर निकला सोशल मीडिया है वो उसने को ये प्रगति मैदान का भाई 5, 4 और 1 नंबर गेट के सामने से हम यहाँ निकल रहे हैं। बहुत टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचने में, अब यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे के आसपास लगेगा और 1 घंटा लग गया यहाँ तक पहुँचने में। ये 12:50 हो गए और हम पहुँच गए हैं शिवा ढाबा, शिवा टूरिस्ट ढाबा। डिनर हो गया है भाई, और अभी यहाँ से 45 किलोमीटर दूर और है जहाँ पे अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है, वहाँ पहुँचते हैं भाई, फिर देखेंगे क्या हालत है गाड़ी की, करूँगा अपडेट सारी चीज़ें। चलते हैं, अभी तक 80 किलोमीटर के आसपास हम भाई चल चुके हैं सादीपुर डिपो से। भाई मेरठ क्रॉस हो गया है, मुजफ्फरनगर की सीमा में घुस गए हैं। यहाँ से 12 मिनट मुझे शो कर रहा है नेविगेशन में पहुँचने के लिए। भाई पहुँचे हैं गाड़ी के पास, बड़ी खतरनाक लगी है, काफ़ी नुकसान हुआ है गाड़ी में, दिखाता हूँ अभी। गाड़ी लगी है, हमसे क्या छुपाना है, झपका गया तो सोया नहीं सोया। हाँ वो झपका ही होता है जो हो गया कांड। वीडियो बना लिया ना, वो इंश्योरेंस वाला मांगेगा भाई, इंश्योरेंस वाला मांगेगा। और कंप्लेंट भी कर दी मैंने पुलिस। भाई इतनी लाइट जल गई है गाड़ी में, तो पता नहीं कौन कौन सी तो लाइट आ गई है इसमें। भाई देखो गाड़ी का क्या हाल हो गया है, नई कार है, और ये बस ये वीडियो बना के कोई सिंपत्ति वाली बात नहीं है भाई, सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना जा रहा है जो ड्राइवर भाई दिन में गाड़ी चला रहे हैं ना, और वो रात में भी एक पैसे के पीछे हाय 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 हाय, वो वाला सिस्टम भाई गलत है। रात ने शरीर ने द्वारा अगर दिन में गाड़ी चला रहे हो तो होनी होती है। देखो ये जो ड्राइवर भाई है ये कोई पहली बार गाड़ी नहीं चला रहा है, मगर फिर भी देख लो हो गया ना नुकसान, जरा सी झपकी आई और गाड़ी ख़त्म। तो जो भाई इंश्योरेंस वगैरह रहता है तो इस वजह से थोड़ा सा सहारा लग जाता ड्राइवर भैया के। सबसे पहली बात तो भाई ड्राइवर को चोट नहीं लगी है, एक पैसेंजर को जरा सी लगी थी जो बैठे हुए थे, बाकी चोट लगी नहीं है। गाड़ी तो सारा लोहा लंगड़ है, थोड़ी पतौड़ी चल के सब ठीक हो जाना है 10 दिन में। तो भाई बीच का करके टोचन लेके जाएंगे दिल्ली और पहुँचते हैं दिल्ली को, छोड़ेंगे और करेंगे आपको अपडेट जो जो बातें इसमें आएंगी सामने निकल के। अभी लगा रहा है, खोल रहा है, लग गया ताला, खरीदया है, मिल गया के पड़ा पाया है कि मिल जाता देखो भाई दिल्ली में लोग एसी नहीं बंद होने दे रहे हैं, और
यहाँ धुंध गिर रही है के बैठने से पहले ही। भैया एसी चला लो, एसी चला लो, गर्मी है। यहाँ देखो धुंध भाई। 5 बजने वाले हैं सुबह के और हम पहुँच गए हैं मेरठ। मेरठ ले रहे हैं सीएनजी पंप पे सीएनजी, और 84.20 रुपये है सीएनजी का रेट भाई यहाँ पे। और ये देखो, एक घंटा 10 मिनट और शायद यहाँ से लगेंगे पहुँचने में। और जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में बताता हूँ भाई, दिल्ली पहुँच के क्या उसमें हुआ है, क्या उसकी स्टोरी हुई है। भाई दिन में इतनी ज़बरदस्त गर्मी, और देखो ये मेरठ एक्सप्रेसवे पे कोहरा देखो, बड़ा ज़बरदस्त कोहरा है। और कई कई जगह तो बहुत गहरा कोहरा है, जबकि अभी तो गर्मियां हैं। नोएडा पहुंच गए हैं भाई, नोएडा से धीरे धीरे निकलते हुए, और ये आ गया है हमारा 0 पॉइंट सराय कालेखा टी पॉइंट। यहां से लेफ्ट में सराय कालेखा और राइट में राजघाट पहुंच जाएंगे। यहां से भाई सुबह सुबह इंडिया गेट के नज़ारे। अभी सुबह सुबह भी भाई भीड़ है इंडिया गेट देखने वालों की। ये बंगला साहिब गुरुद्वारा, ज़बरदस्त जगह है टूरिस्ट के लिए भाई। भाई पहुंच गए सादेपुर। तो भाई गाड़ी तो आ रही, भाई गाड़ी का कारण ना आने का मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी सुबह के बज गए 6, पहुंच गए सादेपुर। सादेपुर पहुँचने के बाद अभी लेते हैं भाई चाय, और फिर करेंगे गाड़ी में बैठ के आपसे जो जो कार्रवाई हुई है दिन में उसके बारे में बातें। भाई ये क्लिप इस वाले ब्लॉग में जो हम खतौली गए थे गाड़ी लेने के लिए ऐड कर रहा हूँ अलग से, क्योंकि भाई बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इस टॉपिक पे बात करने के लिए। एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो क्या क्या उसमें इश्यू आते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो इसके बारे में भाई अलग से टोटल वीडियो बनाऊंगा। और हम गाड़ी कैसे लेके आए वहाँ खतौली से दिल्ली तक, तो इसके बारे में भी भाई अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो ये वाला वीडियो सिर्फ वहाँ जाने का और वहाँ से वापस आने का और गाड़ी में कितना नुकसान हुआ था ये सब दिखाने का था। अगले व्लॉग में बात करेंगे भाई, अगर बाई चांस भगवान ना चाहे कभी ऐसा किसी भाई के साथ हो, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या क्या आपको सबसे पहले कदम उठाने हैं, और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि क्लेम पास होने में इंश्योरेंस का आपको आसानी रहेगी, कितना खर्चा लगता है, कितना फाइल चार्ज लगेगा, इस सारी चीज़ों के बारे में भाई अगला व्लॉग होने वाला है। लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मिलता हूँ भाई अगले वीडियो में। तो सारे भाई ना भाई विक्की खत्री की तरफ से राम राम, जय हिंद जय भारत।